सावधान रहो, सतर्कता बनाए रखो। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे उस व्यक्ति की जो अपनी सारी गृहस्थी अपने दासों को सौंपकर दूर यात्रा पर निकल पड़ा। उसने हर एक दास को भिन्न भिन्न जिम्मेदारी सौंपी और द्वारपाल को भी सावधान रहने की आज्ञा दी। इसी प्रकार तुम भी सावधान रहो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि घर का स्वामी लौटकर कब आएगा। शाम को, आधी रात या भोर को मुर्गे की बांग के समय, ऐसा ना हो कि उसका आना अचानक हो और तुम गहरी नींद में पाए जाओ। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो सभी से संबंधित है। सावधान रहो।